आप देख रहे हैं सर्वोच्च दर्पण न्यूज। मैं रमेश कुमार यादव, आइए आपको दिखाते हैं खबरों की हकीकत। सीओ सगड़ी के विदाई समारोह का हुआ आयोजन। आजमगढ़ जीरनपुर कोतवाली परिसर में सोमवार को विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जहां क्षेत्र अधिकारी सगड़ी सौम्या सिंह का स्थानांतरण नोएडा में असिस्टेंट कमिश्नर पद पर किए जाने से विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उन्हें फूल मालाओं से स्वागत करते हुए जीरनपुर कोतवाल ने प्रतीक चिन्ह एवं अंग वस्त्र भेंट किया। वहीं सीओ ने कोतवाली में बने नवीन भोजनालय कच्छ एवं भंडार कच्छ का भी फीता काटकर शुभारंभ किया। इस दौरान सौम्या सिंह ने कहा कि पुलिस में जिम्मेदारियां बढ़ने से घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि जिम्मेदारियों का डटकर मुकाबला करने की जरूरत है। साथ ही जनता के बीच रहकर उनके दुख दर्द को समझने और अपराध पर अंकुश लगाने की जरूरत है। एवं जो चीजें समझ नहीं सके तो अपने उच्च अधिकारियों से अवश्य मदद लें। वैसे तो यहाँ जनपद के स्टाफ और लोगों का भरपूर सहयोग मिला, पर स्थानांतरण तो एक प्रक्रिया है जिससे जाना ही पड़ता है। आप किसी भी का सहयोग की जरूरत पड़े तो सहयोग के लिए हमेशा तैयार रहूंगी। विदाई तो दुखदायी होती है, इस दौरान संचालन ज्ञानेंद्र मिश्रा ने किया। वही मुख्य रूप से कोतवाल यादवेंद्र पांडे, कोतवाल कमलकांत वर्मा, कौशल पाठक, अतुल राय, नेहाल मेहदी, चेयरमैन हरशंकर यादव, मनीष चौरसिया एवं एसआई मदन गुप्ता, सौरभ सिंह आदि लोग मौजूद रहे। मैम क्या करना चाहेंगी, आपने मतलब यहाँ पर तकरीबन साल भर रही हैं और काम भी अच्छा किए, लोग आपकी तारीफ भी कर रहे हैं, आप यहाँ से जा रही है, इसके बारे में क्या करना चाहेंगी? आज जीरनपुर थाना क्षेत्र में मेरे लिए एक फेयरवेल का कार्यक्रम आयोजित किया गया। मेरे सभी सर्किल के थाना प्रभारी और नगरवासी जनप्रतिनिधि पत्रकार बंधु मौजूद थे। बहुत ही अच्छा लगा मुझे, सबका बहुत साथ रहा, सहयोग रहा, जिससे मेरा एक सफल यहाँ पर कार्य रहा। और आजमगढ़ में बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने को मिली, बहुत सारी मेरी अच्छी यादें हैं उनके साथ मैं जाना चाहूँगी। सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी, आप लोगों ने मेरा कार्यक्रम सफल बनाया। मैम क्योंकि जो लोग भी यहाँ पे हैं उनकी एक ख्वाहिश है कि आप शायद एडिशनल बने, उसके लिए क्या करना चाहेंगे? अब तो ये जो प्रोसेस होती है टाइम से होगी, जब भी प्रमोशन वगैरह होंगे, जब मौका मिलेगा तो मैं फिर से आजमगढ़ में अगर आऊँगी तो अच्छा लगेगा। ठीक है।